हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आज हम कंसीडरेशन टॉपिक समझाना चाहेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, कंसीडरेशन मस्ट बी रियल। इसमें बोला गया है कि कंसीडरेशन जो होना चाहिए, कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म से भी जानते हैं, जिसका नाम होता है क्विड प्रो क्यो, ठीक है, कंसीडरेशन। तो वो रियल होना चाहिए एंड नॉट इल्यूजरी। इम्पॉसिबल कंसीडरेशन नॉट अलाउड, मतलब ऐसा कंसीडरेशन जो कि इम्पॉसिबल है वो अलाव नहीं है। जैसे कि एग्जांपल है टाइटैनिक मूवी में जो कैप्टन था, उसका जिम्मेदारी था कि वो सेव कर सके प्रॉपर्टी को, लेकिन वो नहीं कर पाता है ना। नेक्स्ट है, कंसीडरेशन सेल बी सच फॉर विच प्रॉमिस इज नॉट लीगली बाउंड टू परफॉर्म। कंसीडरेशन मस्ट not be unlawful, immoral, contractual marriage or against public policy, suit by third person, priority of contract, contract is in between parties and third person are not allowed in file suit case। यहाँ पर कुछ exceptions दिख रहा है, एक एक करके समझाते हैं। तो पहला है इन केस ऑफ ट्रस्ट, दैट इज कैसा ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रस्ट। बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट इवन इफ ही इज नॉट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। पब्लिक ट्रस्ट, जैसे डोनर और ट्रस्टी, तो ये पब्लिक बेनिफिशियरी हो गया। और वही प्राइवेट ट्रस्ट में डोनर ब्रदर ऑफ ए बी है और उसका फ्रेंड है ट्रस्टी, तो वो बेनिफिशियरी हो सकता है। इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, एनी मेंबर ऑफ फैमिली कैन फाइल सूट इवन थ्रो दे वेयर नॉट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या सेटलमेंट। मतलब वो लोग कॉन्ट्रैक्ट का या सेटलमेंट का पार्ट भी नहीं है, तब भी वो लोग सूट को फाइल कर सकते हैं। If contract is in writing, अगर वो contract retain में है तब। In case of certain marriage contract, female member of family can enforce provision for marriage expenses made on partition of HUF, that is Hindu undivided family। In case of assignment of contract, transfer of benefit, assignee can file suit। कॉन्ट्रैक्ट इंटर थ्रू एजेंट, एजेंट कौन होते हैं? पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। थर्ड पर्सन में फाइल सूट ऑन प्रिंसिपल एंड वाइस वर्सा। वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, मतलब ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कंसीडरेशन नहीं होगा तो क्या होगा? तो देखो, जनरल रूल होता है कि नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि अगर आपके पास कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। इफ़ देयर इज नो कंसीडरेशन देन कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट शैल बी वॉइड, तो जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इवन थ्रू देयर इज नो कंसीडरेशन। सेकेंड इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड, मतलब वो वैलिड हो सकता है इफ़ इट इज़ मेड इन राइटिंग एंड शुड बी रजिस्टर्ड, मतलब अगर वो रिटेन में है या रजिस्टर्ड है तो मतलब कि वो वैलिड हो सकता है। कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, ट्रीटेड एज वैलिड इवन थ्रू नो कंसीडरेशन फ्रॉम जय। जैसे शोले फिल्म में जय वीरू और बसंती, ये मैरिज के लिए बोलता है वीरू बसंती को,
तो यहाँ पर कंपनसेशन मिलेगा 2 लाख का इसको, जय को ट्रीटेड एज वैलिड, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है इवन थ्रू नो कंसिड्रेशन फ्रॉम जय, जय कोई भी कंसिड्रेशन नहीं दे रहा है तब भी ये वैलिड में आएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि वैलिड होगा, ठीक है, ट्रीटेड एज वैलिड इवन थ्रू नो कंसिडरेशन फ्रॉम जय। नेक्स्ट है एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, पर्सन शुड नॉट बी माइनर, अनसाउंड माइंड, एलियन इकोनॉमी, इंसॉल्वेंट या पर्सन इन इम्प्रूवमेंट, फ्री कॉन्सेंट, फॉलोइंग एलिमेंट्स विल डिस्टर्ब फ्री कॉन्सेंट, नंबर 1 क्वेश्चन, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake, unlawful consideration and object, agreement not expressly declared to be void, possibility of performance, certainty of meaning, capacity to contract, minor, age below 18, contract with minor is void ab initio, void हो गया ना, void कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब वो पहले से ही वॉइड है, इट मीन्स ओपनिंग। केस स्टडी यहाँ पर एक है मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मो दास घोष, माइनर इज नेवर पर्सनली लिएबल, माइनर कैन ऑलवेज प्लेड डिफेंड माइनॉरिटी, he can protect himself from liability, no ratification after attaining majority, ratifications means accepting the contract, minor can be beneficiary, he can take benefit of contract, मतलब minor contract में enter नहीं कर सकता लेकिन वो benefit ले सकता है, agreement involves only liability on minor, void, only benefit valid, मतलब अगर सिर्फ benefit है तो वो valid हो गया, liability plus benefit void, minors property is liable for necessaries includes food, cloth, shelter, education and instructions, his property is liable if, मतलब उसका property liable होगा तब, जब necessaries were provided when it was not sufficiently available with minor, it was supplied to minor or his dependent relatives, contract by guardian, guardian can make valid contract on behalf of minor, मतलब guardian minor का behalf में contract कर सकता है, but if contract is related to immovable property then permission of court is required, मतलब अगर immovable property से related है contract तो permission required होगा court का, no specific performance against minor, minor cannot be declared as insolvent, मतलब minor को कभी insolvent नहीं कहा जा सकता, minor is never personally liable therefore he cannot be declared as insolvent, minor can be agent, person acting on behalf of others, but minor cannot be principal, वो principal नहीं बन सकता, minor cannot bind parents or guardian in any contract, guardians are not liable for contract made by minor, generally guardians are not liable for contract made by minor except where minor are acting as an agent,